लाल हो गया है और एक दाना बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है दोस्तों। इस तरह के असं लगा रहे हैं गंदम नू पानी। पानी मार्च की अज 6 तरीक आ, तकरीबन चौथे महीने च इंशाला कणकां हाथ लग जाएंगे, पक जानियां। इस टाइम कणकां ने तकरीबन अपना सिट्टा मुकम्मल कर लिया है वा। सिट्टा तुहानू दोस्तों नू दिखाने आ। फिलहाल की घड़ी तो अलहमदुल्ला माशाला कणक बिल्कुल ठीक खड़ी है, तो सिट्टा भी अपना पूरा ले खड़ी है। तो सिट्टा माशाला कणक का चेक कर सकते तुसी। है गंदम का सिट्टा, देखो गंदम का सिट्टा बिल्कुल बराबर खड़ी है, कोई मसला नहीं, कोई मसैल नहीं। तो दुआ करो दोस्तों अल्लाह ताला खैर खरीयत नाल जड़ी गंदम है अपनी मंजिल मकसूद का पहुँचा देवे। तो क्योंकि जिम्मेदारा ने अपनी मेहनत की हुई है, तो अल्लाह ताला मेहनत का फल जाया नहीं करता। इस तरह है, काफ़ी खर्चे हुए हैं ठेके ने। दुआ करो अल्लाह ताला यानी कि फसल जड़ी है खैर खरीयत ना बरकत नाल यानी कि तोड़ पचा दे। दोस्तों इस साइड तो भी गंदम जड़ी है वा, ये देखो बीज एक ही आ सारा ही। ये जड़ी गंदम है ये बीज है अकबर बीज आ, ये बीज का नाम अकबर बीज। माशाल्लाह कणक की जड़ी वरायटी है अच्छी आ, यानी कि पिछले साल जो दोस्तों ने काश्त की आ यानी कि एवरेज अच्छी आई है। तो इस वजह तो ये बीज जड़ा है कि तकरीबन ज़्यादातर काश्त इस बीज की आ। दोस्त इस गंदम नू तकरीबन आज तो बाद 2 पानी नू होर लग जाएंगे, जे अगर बारिश ना पई तो 2 पानी नू फस्ट यानी कि पक्के लग जाएंगे। तो 2 पानी तो बाद ये इंशाल्लाह ना यानी कि पक जाएगी। दोस्त इस गंदम दे विच यानी कि बाग है मौसम फलूटर दा। फलूटर ये बाग जड़ा है तुसी देख रहे हैं, ये बाग यानी कि तीसरे साल दे विच जा रहा वा, हुण तीसरे साल च जा रहा यानी कि बाग। दोस्त बोर असी चलाया है वा अपना 480 ट्रैक्टर ते, जड़ा कि पहले अपना 640 या दबंग 85 चलता सीगा, तो अज असी 480 फीट तो चलाया है। तो वह भी दोस्तों दिखावे इंशाल्लाह किस तरह अपना छोटी गड्डी आ, तो बोर जोड़ा है वह 7-8 का वा, अपना किस तरह पानी पूरा कर रहा वा, किस तरह गड्डी की किन्नी क पावर आ, किन्ना जोर लै रही है। हुण असीं जा रहे हैं जी बोर वाले टोल वाले साइड जिधर चलता पिया वा, तो इस साइड तो जी साड़ी गंदम सी वो यानी कि कंप्लीट हो गई है। जिस साइड से टूबल चल रहा वा उस साइड के पानी नू यानी कि उस साइड जी गंदम उन्हें रोड़ना पानी। जरा बाग है यानी कि पट्ठे वगैरह चारा वगैरह भी गया है जानवर वास्ते। हेलो
इस साइड तो आ जाए साडा पानी बहुत चल रहा ये चल रहा है ट्यूबवेल 480 ट्रैक्टर से पानी निकल आ गया। हुण जी लगा लिया सी इस साइड ते पानी ये गंदम नूं देख सकते हैं पक्की सड़क नाल आ ये है साडा इलाका बिल्कुल अमन दा इलाका है बिल्कुल अमन सुकून कोई परेशानी नहीं कोई टेंशन नहीं इस इलाके च। इस इलाके का जरा पानी है वह बड़ा जबरदस्त है पीने के हक च पानी बेहतरीन पानी है बहुत अच्छा पानी है साढ़े इस इलाके का। ये जी गंदम है दोस्तों ये तुम देख रहे हैं कणक की सूरत हाल ये साढ़े हमसाए ने उन्होंने गंदम जी है टाइम ना कास्ट की सी तो सर्दी ज़्यादा पैन की वजह तो यदा सिट्टा जोड़ा है वह देख लें तुम बिल्कुल छोटा छोटा रह गया वा जिस तरह कणक पग ही होंगी है जोड़ा सिट्टा लाल होया पाया वा छोटा छोटा सिट्टा तुम देखते पे जोड़ा सिट्टा लाल हो गया है वा इस दाना बिल्कुल नहीं है असि फुल फुल देख चुके हैं बिल्कुल सिट्टा जोड़ा है खाली जो सिट्टा है ना इस बिल्कुल दाना बिच नहीं है खाली बिल्कुल कोई दाना नहीं बिच देखो तुसी इस कोई दाना नहीं है बिल्कुल खाली सिटे ऐसा तो गंदम साड़ी है देखो तुसी बिल्कुल दाना लाई पूरा की खड़ी है हाँ टाइम की काश्त यानी कि बिल्कुल अपने टाइम की जी काश्त होंगी है बिल्कुल आह जी है इस साइड से अगेती काश्त से काफ़ी अगेती काश्त से आह अगेती काश्त का रिजल्ट तो आह जी है अपनी म्यार के मुताबक अपने टाइम के मुताबक जी बीजी गई वो फसल दोस्तों उ है जी अपने टाइम पर बीजी जाए अपने मुकर्रा वक्त बीजी जाए कोई दाना नहीं है जे गरीब बंदे ने बीजी हुई है वह खर्चा भी नहीं पूरा होना उन्हें जो पानी लगाया वह भी नहीं पूरे होने खाद वगैरह तो दूध की गल तकरीबन दो एकड़ जहाँ रकबा है इस तरह ही सारी गंदम जी खराब हो गई हुई है इस साइड पर भी गंदम है अगली साइड पर भी जी देखते हैं इस साइड पर इस साइड पर इस तरह की गंदम है बिल्कुल